लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीवा पाटिल का नाम दिलाने आंदोलन फिर गर्मा गया है। आज वाशी के विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम में दीवा पाटिल एयरपोर्ट सर्वपक्षीय कृति समिति ने भूमिपुत्र सम्मेलन का आयोजन किया, जहाँ इसका शंखनाद किया गया। समिति के अध्यक्ष दशरथ पाटिल और कार्याध्यक्ष राम सिंह ठाकुर ने ऐलान किया कि एयरपोर्ट पर दीवा पाटिल के सिवा दूसरा कोई भी नाम मंजूर नहीं है और सरकार ने यदि सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो दीवा की जयंती 13 जनवरी से तीव्र आंदोलन की शुरुआत करेंगे। यहां पूर्व सांसद संजीव नाइक, वरिष्ठ नेता दशरथ भगत, डॉक्टर राजेश पाटिल, जेडी टांडेल समेत तमाम प्रकल्पग्रस्त नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीवा पाटिल का नाम दिलाने प्रकल्पग्रस्त संगठनों का आंदोलन एक बार फिर गर्मा गया है। वाशी के विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम में आयोजित भूमिपुत्र मेलावा इसका संकेत देता है। यहां लोक नेता दीवा पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्वपक्षीय कृति समिति द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में अध्यक्ष दशरथ पाटिल एवं कार्याध्यक्ष राम सिंह ठाकुर ने कहा कि एयरपोर्ट पर दीवा पाटिल का नाम प्रकल्पग्रस्तों की अस्मिता और पहचान की मांग है, इसलिए सिडको और महाविकास आघाड़ी सरकार को यह नाम देना ही पड़ेगा। इसके लिए प्रकल्पग्रस्त अपने बलिदान से पीछे नहीं हटेंगे। शीर्ष नेताओं ने कहा कि तमाम मांग के बाद भी सरकार सकारात्मक निर्णय के लिए तैयार नहीं है, इसलिए सर्वपक्षीय कृति समिति ने दीवा पाटिल की जयंती 13 जनवरी से चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी की है। दीवा के लिए गांव-गांव बैठकें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट नामांतरण आंदोलन में अब प्रकल्पग्रस्तों के दूसरे मुद्दों को भी शामिल किया गया है, जिनके समाधान की पहल की जाएगी। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हिंसा ने आंदोलन हुई, लेकिन हम शांतता से भी आंदोलन किया तो भी आपको कहीं हिंसा को पुलिस वाले अंदर किया तो क्या होएगा? अभी आप सुनते कि जब झांसी में जो आंदोलन हुआ वो इस शांतता से आंदोलन था, पुलिस ने लाठीमार किया इसलिए हिंसा बन गया। हमने हमारे तरफ से किसी तरह के हिंसा का आंदोलन नहीं होगा। हाँ, निश्चित उसके मत परिवर्तन होगी। तुरंत कुछ भी किसी भी सरकार हो तुरंत डिसीजन ले ले तो वो बैकफुट जा सकता है, लेकिन सर का विचार मैंने सुन के अगर विद्रोह साफ करेंगे तो निश्चित पने उसको भी यश मिलेंगे। आंदोलन जो है वो संत नहीं हुआ था, वापस जागने की सवाल ही नहीं आता। कार्यकर्ता और प्रकल्पग्रस्त और ये सब लोग जो है ये वही मूड में है जो पहले मूड में थे। एक बात हो गया कि जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि आप लोगों का मान रखा जाएगा, भूमिपुत्रों का मान रखा जाएगा, इसके लिए हमारे पास अभी तक ये सवाल आया ही नहीं। स्टेट गवर्नमेंट से जो कुछ ठहराव आएगा उसके बाद में हमको सोचना है, लेकिन वो मेथड ऐसा है कि जब विमानतल का काम पूरा हो जाएगा एयरपोर्ट का तब उसका नामदेव का सवाल आएगा। इसके लिए थोड़ा हम लोगों ने बोला कि भाई एयरपोर्ट का काम अभी चल रहा है तो चलने दो, इसके लिए काम बंद आंदोलन जो हमको करना था 16 अगस्त से वो हमने रोक लिया। लेकिन उसके दूसरा एक रीज़न है, क्योंकि वही टाइम सिडको जो ठहराव किया था, हम लोगों ने डिमांड किया, अपने माजी खासदार अपने संजीव नाइक जो गए उधर, खुद उन्होंने जाके मैसेज इधर दे दिया, हमारे कमेटी गई और दिया कि विखंडित करो और दीपा पटेल साहब का नाम करो। ये उधर जाने के बाद में उसके ऊपर ना भी नहीं बोला, हाँ भी नहीं बोला, हाँ बोलना चाहिए उन्होंने। और उसके लिए हम जो सेकंड फेज जो शुरू हो रहा है ना, तो उसके लिए हम फोर्स करेंगे। अभी जो उन्होंने विखंडित करने का काम किया नहीं और आगे जाके मतलब दीपावल के नाम का बारे में कुछ सोचा नहीं, तो अभी ऐसा है बात कि एयरपोर्ट के इसके लिए टाइम है। गवर्नमेंट में अध्यक्ष बाला साहब ठाकरे का नाम आगे भेजा नहीं, तब तक के लिए हमको ज़्यादा जल्दी नहीं है। लेकिन ऐसा अगर करने को जाएंगे वापस, अगर वही नाम आगे ढकलना चाहेंगे तो हम लोग बहुत जोर से और बड़ी संख्या में एक साथ हो जाएंगे और शांततापूर्ण
लेकिन गवर्नमेंट का कौन सा भी अत्याचार को बिना रुके हम आगे जाएंगे और दीपा पटेल का नाम या लेके रखेंगे। बताना जरूरी है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जब से बाला साहब ठाकरे के नाम का प्रस्ताव सामने आया है तभी से प्रकल्पग्रस्त संगठन आंदोलन कर रहे हैं। अपने मसीहा दीपा पाटिल का नाम एयरपोर्ट पर दिलाने के लिए 10 जून को साखली आंदोलन हो चुका है, 24 जून को विशाल जन आंदोलन और 9 अगस्त क्रांति दिवस पर मशाल मार्च निकालकर प्रकल्पग्रस्तों ने सरकार को यह बताने की लगातार कोशिश की है कि एयरपोर्ट पर दीपा के सिवा दूसरा कोई नाम मंजूर नहीं है। 16 अगस्त से एयरपोर्ट का काम रोको आंदोलन भी होने वाला था लेकिन रोक दिया गया। जाहिर है मांग अधूरी है इसलिए फिर आंदोलन की बड़ी तैयारी है। इस पर समिति के कोर मेंबर दशरथ भगत ने कहा कि एयरपोर्ट नवी मुंबई के प्रकल्पग्रस्तों की जमीन पर बन रहा है इसलिए इस पर दीपा का नाम लगना स्थानीय लोकाधिकार है और जब तक यह लोकाधिकार और मांग पूरी नहीं हो जाती यह आंदोलन चलता रहेगा। हमारा संदेश एक है कि दीपा पाटिल साहब का जो संघर्ष है, जो त्याग है, जो हमारे जो भूमिपुत्र है, अभी भूमिपुत्र आगरी हो, कराड़ी हो, कोली हो, भंडारी हो, यहाँ का मुस्लिम भी भूमिपुत्र है, यहाँ का मराठी भी भूमिपुत्र है, यहाँ का एसटी एससी एनटी आदिवासी सब भूमिपुत्र है। ये भूमिपुत्र के लिए जो जो योगदान दिया है और वो दीपा पटेल साहब का नाम एयरपोर्ट के देना हमारी अस्मिता है, हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है, तो इसीलिए ये नाम देना चाहिए। और उसके साथ साथ जो हमारे बहुत सारे प्रश्न है, फिर भूमिपुत्र और सागर पुत्र के बहुत सारे मसले, बहुत सारे सवाल है, ये भी सवाल एक साथ में हम लेने वाले हैं। और एक ही संदेश है कि जो 13 जनवरी के दिन दीपा पटेल साहब की जयंती है, वो जयंती एक शक्ति स्थल है, एक शक्ति स्थान है, एक ऊर्जा स्थान है, वो ऊर्जा स्थान और शक्ति स्थल का और जागृत करें, हम सब इकट्ठा आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।